हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ई लर्निंग। आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जिन कामों के कारण उनका ये नाम पड़ा है। फॉर एग्जांपल, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको हम क्रिकेटर कहते हैं, जो बैटिंग करता है उसको हम बैट्समैन कहते हैं, जो फील्डिंग करता है उसको हम फील्डर कहते हैं। ये तो कोई गेम की बात हुई। जो म्यूज़िक बजाता है उसको हम म्यूजिशियन कहते हैं। तो जो डिवोटी होता है, जो भगवान की पूजा करता है उसको हम डिवोटी कहते हैं। सो जो काम वो करते हैं उनके ऊपर जो नाउन बनता है या उन कामों के कारण जो नाउन बनता है, संज्ञा बनती है, उसको हम कहते हैं एजेंट नाउन। सो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि एजेंट नाउन क्या होते हैं। एजेंट नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी काम से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, उसमें मैंने जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो क्रिकेट इज़ अ गेम, इट्स आल्सो अ नाउन, ये नाउन है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि वो क्रिकेट खेलता है इसलिए हम उसको क्रिकेटर कहते हैं, तो हमने क्या किया, उसके आगे ER लगाया। और जब हमने ER लगाया मतलब हमने एक सफिक्स लगाया, सफिक्स लगाने के कारण वो क्रिकेट का क्रिकेटर हो गया। सो क्रिकेटर इज आल्सो अ नाउन, लेकिन हम उसको कहते हैं एजेंट नाउन, क्योंकि ये एजेंट नाउन जो वर्ड्स बनते हैं वो नाउन से ही बनते हैं। आज हम देखने वाले हैं ऐसे हमने कौन से सफिक्स लगा के नए नए एजेंट नाउन बनाए हैं। मैं आपको एक रिवीजन देने जा रही हूँ, जो एजेंट नाउन बनाने का रिवीजन है। आपको वर्ड दिया गया है, आपको कोई सफिक्स लगाना है जिससे वो नाउन को हम एजेंट नाउन में कन्वर्ट कर सकें। आज मैं आपके लिए 10 शब्द लेके आई हूँ, 10 नाउन ऐसे लेके आई हूँ जो जिनमें हमें एजेंट लगा के या सफिक्स लगा के हमें वो एजेंट नाउन बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। राइट एजेंट नाउन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग सफिक्स। ये ऐसे एजेंट नाउन के क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में पैसेज दिए जाते हैं, उन पैसेज में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नाउन, एक बार आपने नाउन्स फाइंड आउट कर लिया, फिर आप कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है फाइंड आउट द एजेंट नाउन और कन्वर्ट दिस नाउन इनटू एजेंट नाउन। सो अगर आपको एजेंट नाउन होता क्या है यही नहीं मालूम तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। आप बेकार में 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा वो लूज कर सकते हैं। सो एजेंट नाउन नाउन ही होते हैं लेकिन किसी काम से रिलेटेड होते हैं, तब हम उनको एजेंट नाउन कहते हैं, और वो बनाने के लिए हमें सफिक्स की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं आज कौन से 10 शब्द मैं लाई हूं। पहला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डिवोट, मैं डिवोट करती हूं, अपना टाइम लगाती हूं उसमें। तो यहां पर जो डिवोट वर्ड यूज किया है वो भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए यूज किया गया है। तो श्रद्धा दिखाना इज डिवोट, लेकिन श्रद्धा दिखाने वाले को क्या कहेंगे, श्रद्धा दिखाने वाले को हम कहेंगे डिवोटी। तो हमने यहाँ क्या किया है, डिवोट शब्द को ee लगा के यहाँ पर हमने एक सफिक्स लगाया है जो दिखाता है डिवोटी। डिवोटी उस शख्स का नाम या उस शख्स के बारे में हम बोल रहे हैं जो भगवान के तरफ श्रद्धा दिखाता है, तो उसको हम कहेंगे डिवोटी। ही इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अगर मैंने ऐसा कहा मतलब मैं डिवोटी या एजेंट नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा शब्द है साइंस। हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो साइंस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ये नाउन हुआ, लेकिन साइंस पढ़ने वाला वो कौन होगा, तो साइंस पढ़ने वाला साइंटिस्ट कहलाएगा। अब हमें जनरल मालूम है कि जो साइंस में रिसर्च करते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन हम स्कूल लेवल में भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये दे आर यंग साइंटिस्ट। सो अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट हुआ एजेंट नाउन और साइंस हुआ नाउन, नॉर्मल नाउन। तीसरा शब्द मैं लाई हूँ म्यूजिक। म्यूजिक संगीत, तो हमें मालूम है म्यूजिक इज अ वर्ड विच इज अ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, नाउन हुआ। लेकिन म्यूजिक बजाने वाला, म्यूजिक गाने वाला, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सपोज ये हारमोनियम बजाते हैं, म्यूजिक में हारमोनियम बजाते हैं, म्यूजिक में तबला बजाते हैं, तो इन जनरल टर्म उनको हम बोलेंगे म्यूजिशियन। सो म्यूजिशियन जो बनता है शब्द वो IAN लगाने से बनता है। सो म्यूजिशियन म्यूजिक को
आगे हम IAN सफिक्स लगाएंगे तो म्यूजिशियन म्यूजिशियन हो गया। अब म्यूजिशियन जो आदमी होता है वो म्यूजिक बजाने वाला या म्यूजिक को फॉलो करने वाला होता है। सो साइंटिस्ट में पहले वाले शब्द में मैंने IST लगाया तो वो सफिक्स हो गया साइंटिस्ट, यहाँ मैंने IAN लगाया तो वो हो गया म्यूजिशियन। चौथा शब्द है ब्यूटी, ब्यूटी में सुंदरता, सुंदर ब्यूटी में सुंदरता। सो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ब्यूटी अपनी ब्यूटी को करने के लिए कोई शख्स चाहिए जो मेरी ब्यूटी को और निखार सके, जो मेरी सुंदरता को और निखार सके, तो लोग बोलते हैं आप जाइए पार्लर में, वहाँ आपको ब्यूटिशियन मिल जाएंगी। तो ब्यूटिशियन इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन ब्यूटी, ब्यूटिशियन ऐसे लोग होते हैं जो ब्यूटी निखारने का काम करते हैं। सो ब्यूटिशियन, यहाँ पर भी मैंने CIAN जो सफिक्स लगाया है, यहाँ पर मैंने ब्यूटी में वाई निकाल के ICIAN लगाया है। एक्चुअली IAN इज अ सफिक्स, ये ब्यूटी जो ब्यूटिशियन जो वर्ड बना है उसमें स्पेलिंग चेंज आया है और वो ब्यूटिशियन इज अ एजेंट नाउन, ब्यूटी इज अ नाउन। पांचवा शब्द है फार्मेसी। फार्मेसी ऐसी दुकान होती है जहाँ पर हम दवाइयाँ लेते हैं, राइट? आप बोलते हैं ना डॉक्टर की आप फार्मेसी से जाकर दवाई लेके आइए। सो फार्मेसी इज अ प्लेस वेयर वी गेट मेडिसिन। सो मेडिसिन बेचने वाला, उसके लिए भी वो एक अलग सी पढ़ाई होती है। फार्मेसी इज अ टाइप ऑफ साइंस विच इज स्टडीड अंडर मेडिकल साइंस। मेडिसिन जो पढ़ते हैं MBBS ना करके वो फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो उनको हम कहते हैं फार्मासिस्ट। सो जो फार्मेसी चलाते हैं, जो दवाइयों की दुकान चलाते हैं, अगर उनको दवाइयों के बारे में ही ना मालूम हो तो वो दुकान नहीं चला सकते, उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। सो फार्मासिस्ट इज अ पर्सन हु रन्स अ फार्मेसी। सो फार्मासिस्ट ऐसा आदमी होता है जो फार्मेसी को फॉलो करता है, दवाइयों के बारे में नॉलेज रखता है और वो दवाइयाँ बेचने का काम करता है। सो फार्मासिस्ट में भी मैंने ICIST लगा के फार्मासिस्ट बनाया है। सो फार्मासिस्ट इज अ एजेंट नाउन, फार्मेसी जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं या हम जब दवाइयों के बारे में बात करते हैं तो और दवाइयों की पूरी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फार्मेसी, और फार्मेसी को पढ़ने वाला उसको कहते हैं फार्मासिस्ट। सिक्स्थ वर्ड और छठवां शब्द है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री लैंग्वेज और हिस्ट्री सब्जेक्ट हम हमारे स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल में पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। कल जो हो गया वो भी हिस्ट्री में चला गया। सो हिस्ट्री पढ़ने वाले को हम कहते हैं हिस्टोरियन। सो हिस्टोरियन इज अ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री। सो ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन, और यहाँ पर भी IAN सफिक्स लगा के हमने हिस्टोरियन वर्ड बनाया है जो एजेंट नाउन है। सातवां शब्द है इंस्ट्रक्ट। हम बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, हम इंस्ट्रक्शंस देने में एकदम होशियार होते हैं। सो इंस्ट्रक्ट देना, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना मीन्स उनको बताना कि क्या करना है उन्हें। सो जो इंस्ट्रक्ट करता है उसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर। सो इंस्ट्रक्टर वर्ड बनाने के लिए OR जो सफिक्स है वो हम ऐड करते हैं तो इंस्ट्रक्टर बन जाता है। जैसे कह लिया कि हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पर जो हमें सिखाता है, इंस्ट्रक्ट करता है, उसको हम इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स या एथलेटिक्स या कोई गेम सिखा रहा है वो भी इंस्ट्रक्टर हुआ। सो जो भी आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो भी आपको बताता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, ही इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्टर। आठवां शब्द है ऑफिस। हम सारे प्रोफेशनल लोग, हम सारे पढ़ाई के बाद ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो बड़ा कंपनी का ऑफिस हो, आपके स्कूल का ऑफिस हो, आपके घर का ऑफिस हो या आपके बिजनेस का ऑफिस हो, ऑफिस तो ऑफिस होता है। ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पर हम बैठ के ऑफिशियल काम करते हैं। सो जो ऑफिस में काम करने वाला लोग होते हैं उनको हम कह सकते हैं ऑफिसर या उनको हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स। सो दो वर्ड्स हो सकते हैं एजेंट नाउन के रूप में यूज करने वाले, ऑफिसर जहाँ हम ER लगाते हैं एंड ऑफिशियल जहाँ हम IAL लगाते हैं। He is a official representing that company, or he is a officer working in the municipal corporation. So, जब मैं ऐसे sentence use कर रही हूँ, तो मैं agent noun का use कर रही हूँ, और वो agent noun बना है word office से। नौवां शब्द जो मैंने आपको शुरुआत में example दिया था, cricket.
क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हुआ नाउन, और इस नाउन को या इस गेम को खेलने वाले को हम कहते हैं क्रिकेटर। सो क्रिकेटर वर्ड बना है कि आके ये सफिक्स हुआ, और क्रिकेटर वर्ड जो उसको दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं। इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय, एनी पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज क्रिकेटर। और दसवां शब्द, आज का दसवां शब्द है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ये एक साइंस है जो भविष्य के बारे में पढ़ती है, या आप एस्ट्रोलॉजी में हम आगे क्या होने वाला है, हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, उनकी दशा देखते हैं, हाथ को पढ़ते हैं, हाथों की लकीर को पढ़ते हैं, ये सारे चीज़ें एक साइंस की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक साइंस है जो आपको भविष्य के बारे में बता सकता है। सो दैट साइंस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, और जो ये साइंस एस्ट्रोलॉजी साइंस पढ़ने वाला होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारा भविष्य में हमारा क्या होगा, क्या ये दशा रहेगी, क्या हमारा अच्छा समय आने वाला है कि नहीं, तो हम ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो। सो वो शख्स जिसको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, जो साइंस पढ़ चुका है एस्ट्रोलॉजी की, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। और इसमें भी ER सफिक्स लगाने से हम एजेंट नाउन बनाते हैं। तो आपने देखा आज 10 शब्द जो हम रोज कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि ये नाउन है और इसको हम एजेंट नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो एजेंट नाउन वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं या पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों को दर्शाते हैं, उसको हम कहते हैं एजेंट नाउन। ये एजेंट नाउन आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं लेकिन ये हमें बहुत बार मालूम नहीं होता है कि उनको एजेंट नाउन कहा जाता है। सो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे ऐसे एजेंट नाउन ढूंढ के निकालेंगे और अपने रोज के कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ करेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट लेवल, जो 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक एज अ सब्जेक्ट आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये सारे बोर्ड में भी काम आता है। आई होप आज आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। हैव अ नाइस डे, बाय।